फैमिली वेलकम बैक टू द ब्लॉग वीर की दुनिया। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का आज के हमारे इस प्यारे से ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं जॉब पे से घर पे आने के बाद, और भाई का चल रहा है पढ़ाई का सेशन अभी चल रहा है क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और हमारा भाई अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है। और बात करें मम्मी जी की तो मम्मी जी कर रहे हैं प्रेस। हेलो मम्मी। हेलो। हरिओम। मम्मी जी कर रहे हैं इस्त्री। डिनर में क्या बनने वाला है अभी तक कुछ पता नहीं है हमें, और बस दोस्तों ऐसा है कुछ टीवी में वही अपना एज यूजुअल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं और भाग दौड़ थोड़ी कभी कभार ज़्यादा होती है, तो चलिए अभी थोड़ी मम्मी को हेल्प करते हैं प्रेस वगैरह करने में। तो अभी मम्मी ने जो भी कपड़े प्रेस करके रखे हैं उनको बिखेरना है तो मम्मी की हेल्प कर दें। एक्चुअली रोज प्रेस हम लोग करते नहीं है, दो दिन में एक बार करते हैं, कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद। और क्या है, रोज रोज कंटाला आता है यार। तो बस अभी सुमित भाई देखिए पढ़ाई भी और टीवी भी दोनों साथ में, समझ रहे हो क्या है कि भाई को थोड़ा मसाला देना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ गई है और भाई का कुछ भी ठिकाना नहीं है अभी तक। वैसे तो इसको ज़रूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि हमारा श्वेत भाई काफ़ी ज़्यादा होशियार है और एकदम अच्छे से अपना टाइम टू टाइम अपना होमवर्क अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेता है, पढ़ाई भी अपने हिसाब से कर लेता है, तो ज़्यादा हमें इसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह है कि एक दो बार रिवीजन लेना पड़ेगा उसका, तो वो तो हर बच्चे को ज़रूरत होती है। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए वीर की दुनिया, और अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार व्लॉग में। और अभी मॉम ने बना लिया है डिनर बन गया है और हम लोग ने डिनर अभी तक किया नहीं क्योंकि पापा का आने का टाइम हो गया था, तो सोचा कि 5-10 मिनट रुकते हैं। तब तक पढ़ाई चल रही थी श्वेत भाई की, और श्वेत भाई ने भी अभी पढ़ाई हो गई इनकी कंप्लीट, अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो रिविजन चल रहा है हमारे श्वेत भाई का। हाँ तो हमारे श्वेत भाई का रिवीजन भी हो गया है कंप्लीट, और देखते हैं आज मम्मी ने क्या बनाया है डिनर में। ज़्यादा तामझाम वाला खाना तो होगा ही नहीं। हरिओम मम्मी। हरिओम। क्या है आज का मेन्यू बता दो जल्दी फटाफट। आज का मेन्यू में बाजरी का रोटी और कांदे बटाटे का भाजी और लाल लहसुन वाला चटनी और खिचड़ी। दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल और काठियावाड़ी स्टाइल की थाली तैयार हो गई है, आ जाइए भाई। तो चलिए दोस्तों आप सभी लोग भी आइए डिनर पे हमारे घर में, वेलकम आप सभी को। और ये लोग का दोनों का मस्ती चल रहा था और चलते रहता है ऐसे ही दोनों का आपस में मजाक मस्ती करते रहते। ये देखिए देखिए ऐसा कुछ पागल बंदी चलता है। तो चलिए दोस्तों अभी फटाफट से करते हैं डिनर और आपको मिलते हैं डिनर करने के बाद। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है कंप्लीट, डिनर हो गया हमारा एकदम फिनिश, और डिनर में जैसे आपने देखा कि बाजरे की रोटी और आलू प्याज की सब्जी और खिचड़ी फुल देसी स्टाइल खाना था, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है ना श्वेत। हाँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अभी कैसा है ना, अभी बस और
शायद 1-2 दिन और सर्दी रहेगी, फिर तो गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर गर्मियों में गेहूं का रोटी वापस अपना रेगुलर जो रहेगा वही रहेगा, अभी भी वही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभार हम लोग फिर बजरी की रोटी या फिर मक्के की रोटी हो गई या ऐसा कुछ भी हम लोग मतलब मिक्स करके बनाते हैं। ज्वारी बाजरी और मकाई ये तीनों को मिक्स करके फिर उसके आटे की हम लोग रोटी खाते, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है गाइस, खास तो करके ठंडी के दिनों में बहुत ही मज़ा आता है खाने का। तो बस दोस्तों आप लोग देखते रहेंगे कि आंखें एकदम हमारी दोनों की लाल हो चुकी है, क्योंकि दोपहर को श्वेत भाई भी बहुत थोड़ा टाइम सोए थे और मैं तो सोता ही नहीं हूँ, अपना तो फील्ड वर्क चालू रहता है। तो चलिए दोस्तों अभी फटाफट से व्लॉग को करते एंड, उसके बाद अपने को एडिटिंग भी करने का है, तो रात का भी बज चुका है 1:30। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक तब के के लिए लिए जय जय भीम, हिंद, जय जय भारत, भारत। हरिओम।